गुड मॉर्निंग गाइस। नशीले पदार्थों का एक टॉपिक बच रहा था, अफीम। बाकी इसके तीन टॉपिक अपन कर लिए थे, गुटखा, तंबाकू और मदिरा। ठीक है, भोजन और मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर का ये पांचवा पार्ट है। इससे पहले चार पार्ट आ गए हैं, तो ये पार्ट देखने से पहले वो चारों देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अफीम किस प्रकार से नशीला पदार्थ है और क्यों और कैसे, कहाँ पर क्या उगाया जाता है, नहीं उगाया जाता है, इसके कौन से नुकसान है, क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में भी अपन बाकी तीन की तरह यहाँ पे अवलोकन करेंगे। जैसे कि अफीम, देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी 2020 जो बोर्ड थी उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं अफीम के। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आया है 2020 के अंदर, वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, वो बस इसी पैराग्राफ से तीनों क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। वो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। अब आप सोच रहे हो सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन था, मतलब ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें से एक लाइन में पूछा गया था अफीम पादप का वानस्पतिक नाम जो यहाँ पे है उसका आंसर था पेपेवर सोनीफेरम। फिर इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछा अफीम पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो वो कच्चे फल जो होते हैं उसके डोडे जिनको बोला जाता है वहाँ से अफीम उपयोगी है। एक और क्वेश्चन पूछा कि अफीम का उपयोग क्या है, तो अफीम का उपयोग आप जानते हो मॉर्फिन कोडिन का प्रयोग तो दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, लेकिन इनका दर्द निवारक के रूप में कर तो लेते हैं लेकिन इंसान इनका आदि पड़ जाता है, लत लग जाती है इंसान को। या और भी जैसे लोग खुशी के मौके पर या गम के मौके पर या जैसे माताएं अपने बच्चों को सुलाने के रूप में, और भी इसके कई प्रकार के उपयोग हैं। ठीक है, तो ये इसके यूजेज हैं। तो मैंने जो 2020 के अंदर इसके 3 नंबर के जो क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से, वो तीन लाइन इन्हीं में, तीनों लाइनों में से, जैसे कि फर्स्ट ही लाइन में से तो 2 नंबर की लाइन थी, ये देखो ये बहुत महंगी लाइन है, 2 नंबर में पड़ गई आपके। ठीक है, तो यहाँ से अपन अफीम की शुरुआत करते हैं। अफीम एक ऐसे पादप का ही नाम है जिसकी खेती भी होती है, राजस्थान में भी खूब होती है, भीलवाड़ा में होती है खूब, और भी अन्य हिमाचल प्रदेश है, इंदौर है, तो अन्य इलाकों में भी, कहीं गवर्नमेंट भी कराते हैं तो कहीं चोरी से भी होती है। अब अफीम क्या है क्या नहीं है, बहुत महंगी बिकती है। अफीम में से हीरोइन निकलती है, हीरोइन अफीम का ही प्रोडक्ट है। हीरोइन नाम सुनते हो आपने, ब्राउन शुगर हीरोइन, ऐसे ऐसे फिल्मों में सुनते होगे। हीरोइन वो वाली हीरोइन नहीं, ये दूसरी वाली हीरोइन है। तो यहाँ से अपन अफीम की बात करते हैं। अफीम एक पादप का नाम है जिसका वानस्पतिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम, के कच्चे फल से प्राप्त की जाती है। कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से बनता है अफीम, जो अभी दिखाते हैं आपको अफीम किस प्रकार का पादप होता है। अब देखो ये खेती होती है अफीम की, इस प्रकार से अफीम की खेती होती है। और अफीम की खेती के ऊपर ऊपर के जो ये डोडे दिख रहे हैं आपको, ये डोडे दिख रहे हैं, इनको चीरा लगाया जाता है। अफीम इन्हीं के कच्चे फलों से प्राप्त की जाती है। इनको चीरा लगाने के बाद यहाँ पे दूध या पानी निकलता है, इसको सुखाते हैं और फिर उसको पैकेटों में पैक करके सप्लाई करते हैं, गांव मोहल्ले तक इसकी सप्लाई करी जाती है। तो इस प्रकार की खेती होती है बड़े पैमाने पर अफीम की, ये ऐसे खेती होती है। गवर्नमेंट भी कराती है इसकी खेती, बड़े पैमाने पर अफीम की खेतियाँ होती हैं। ये देखो इसके जो ये जो इसके फल हैं, कच्चे फल हैं, डोड़े जिनको बोला जाता है, इसको अपन कच्चे फल को, इनको चीरा लगाया जाता है और इसको सुखाया जाता है, ये अफीम की खेती होती है। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से इसमें फ्लावरिंग हो जाती है और फिर इनको अपन काट लेते हैं और सुखा लेते हैं। फिर इनको सुखाने के बाद जो पाउडर बचता है उसको अपन पैकिंग करते हैं, और ये बहुत बड़ा नशा इसमें खूब, तो इसमें जो एल्कलॉइड पाए जाते हैं वो देखो इसमें यहाँ पे स्पष्ट लिख रखा है कि अफीम के जो दूध होता है उसमें लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य नाम है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटिन और सोमिनिफेरम पेपेवरम प्रमुख हैं। ये इनमें पाए जाने वाले कुछ मुख्य एल्केलॉइडों के नाम हैं जो ये नशीले पदार्थ इनसे बनते हैं। मॉर्फिन और कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे अपने पेन किलर होते हैं ना, पैरासीटामोल या फिर आपके जैसे कि एस्पिरिन, इस प्रकार के जो पेन किलर होते हैं उन्हीं के स्थान पर ये अफीम का प्रयोग में जो ये पाई जाती है इनका भी किया जाता है, लेकिन उनमें फ़र्क है। अपन टेबलेट लेते हैं, जब दर्द हुआ ले लिया ठीक हो गए, लेकिन इनका अगर प्रयोग करने लगे ना तो इनकी हमारे को लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है फिर इनकी, तो ये आदि बना देते हैं इंसान को, मॉर्फिन और कोडिन का सबसे ज़्यादा। इसी कारण इसकी खेती की जाती है, खेती की जाती है, बहुत महंगा बिकता है, गवर्नमेंट भी अच्छा पैसा कमाती है और लोग चोरी से भी इसका व्यापार करते हैं और इसकी खेती भी चोरी से की जाती है। शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने हेतु, देखो ये भ्रम है लोगों का कि इसकी
भ्रमित है कि शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने हेतु के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ जैसे कि हीरोइन का उपयोग कई लोग द्वारा किया जाता है। हीरोइन का उपयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है, ये वो वाली हीरोइन नहीं है जो फिल्मों में आती है। ये इस अफीम की जो एक एल्कलॉइड होता है उससे बनने वाला एक नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ है ना, हीरोइन वो है। ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के मौके पर, ग्रामीण क्षेत्रों में गम या खुशी के अवसरों पर अफीम की मुनहार करने की प्रथा आज भी है। मुनहार करने की प्रथा, जैसे आज ड्रिंक पार्टी होती है उसी तरह ये भी आपकी आपकी अफीम की मुनहार होती है, लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार से एक कच्चा फल था, अभी जैसे आपको खेती दिखाई उसी में से एक डोडे की पिक्चर है, हमने आपको इसकी पूरी खेती दिखाई है। तो यहाँ से इसके इस प्रकार चीरा लगाते हैं और इसमें से जो दूध आता है उसको सुखाया जाता है और फिर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अफीम का ये फल है। अब बात करते हैं इसकी और आगे की, कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए भी अफीम को खिला देती हैं। ठीक है, कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन व्यक्ति को उसका आदी बना देता है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो मॉर्फिन और कोडीन है वो दर्द निवारक तो हैं, लेकिन दर्द के स्थान पर उनका प्रयोग करने ही धीरे धीरे हम उनके आदी पड़ जाएंगे। फिर चाहे दर्द हो या ना हो, वो अफीम अपने को थोड़ी बहुत लेने की आदत पड़ जाती है। जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे कल अपने गुटखा बीड़ी शराब के बारे में बात की थी कि इंसान शुरू में धीरे धीरे सीखता है, बाद में इसका बड़े पैमाने पर आदी बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी प्रकार चलता है। प्रारंभ में कम मात्रा ली जाती है, परंतु धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाने में मजबूर हो जाते हैं। यानी कि शुरू में जब सीखते हैं तो थोड़े थोड़े से सीखते हैं, और जब बाद में हम इसकी आदत पड़ जाती है, इसका स्वाद आने लगता है, तो फिर इसको बहुत ज़्यादा यूज करने लगते हैं और हम बिल्कुल आदी पड़ जाते हैं। फिर अफीम के डोडे यानी कि जो फल भित्ति होती है उसको उबाल कर पीने की भी लत लग जाती है। बहुत ऐसे ऐसे सुना, नॉर्मल भाषा में छोतरा पीता है, छोड़ा पीता है, इस प्रकार की कुछ लैंग्वेज आपने सुनी हो, ये वो ही होते हैं, अफीम के डोडे के छिलके होते हैं जिनको उबाल कर पीने की लत लगा देते, जैसे चाय की तरह उनकी वो ही होती है चाय। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, प्रतिरोधक क्षमता को कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। इनसे प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता आपको कल भी बताई थी कि रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। जैसे कई बार डॉक्टर से सुना होगा कि इसका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया है, यानी कि ये छोटे मोटे बैक्टीरियाओं से बीमार होने लग गया है। तो उसमें क्या होती है, ये नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो हमें बार बार ऐसी छोटी मोटी बातों पे नाराजगी हो जाती है, यानी कि छोटी छोटी बातों पे बीमारी पड़ने लगती है, अंत में असामयिक मृत्यु भी हो जाती है। डॉक्टर या स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इसे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर अपन डॉक्टर के टाइम पे सलाह लें और चाहें छोड़ना है, या फिर कोई स्वयंसेवी होती है जो मतलब शराब छुड़ाने के लिए या कुछ ऐसे तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि इस प्रकार से हमको इसका कोई समाधान मिले। ठीक है, अब बात आती है अन्य नशीले पदार्थ और भी हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, लॉर्जिक एसिड, डाई इथाइल अमाइड, ये शॉर्ट में नाम था इसका, आदि अन्य पदार्थ भी मादक पदार्थों के रूप में प्रचलन में हैं। युवा इनका प्रयोग विभिन्न कारणों के कारण कर बैठते हैं। क्या करते हैं, युवा इनका प्रयोग विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं, यानी कि कोई शौक से कर लेता है, कोई मजबूरी में कर लेता है, लेकिन इनकी फिर क्या हो जाती है, आदत लग जाती है। ठीक है, विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं या चंगुल में फंस जाते हैं, जैसे दोस्तों के साथ थोड़ा थोड़ा कर लिया, अब आदत लग गई और अब इसकी इसको छोड़ना नहीं चाहते अपन। इनके प्रयोग के दुष्प्रभाव, परिवार से विच्छेदन, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो परिवार में अपने को अलग ही नजरिया से देखा जाता है। ऐसे बोलेंगे, ये देखो भांग पीने वाला आ गया, ये देखो बेवड़ा आ गया, तो यहाँ पे क्या होगी, अपनी एक प्रतिष्ठा को ठेस भी पहुँचती है समाज में, और यहाँ तक कि घर के लोग ही अपने से क्या करने लग जाएंगे, घृणा करने लग जाएंगे कि ये देखो ये आ गया, अब ये कुछ भी करेगा, अब ये नशे में है, ये नशेड़ी है, ये कुछ भी है ना। तो वहाँ से अपना, या फिर अपन अपराधी प्रवृत्ति की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि अगर ऐसा कर लेंगे, भांग पी लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगी, हमारे में मतलब एक अलग ही अलग सी शक्ति फील होगी, हम कुछ भी कर लेंगे, किसी से गाली गलौज कर लेंगे, या हमारी कोई भी काम जो नहीं करना चाहिए, जो लीगल नहीं है,
उसको भी करने की, जैसे कोई कह दिया अरे तू ऐसा कर सकता है, तो हम उसको नशे नशे में कुछ भी कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी अलीगल काम कर सकते हैं, तो हमें ये क्या कर सकती है, अपराधी प्रवृत्ति भी ये बना सकती है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक कमजोरी के रूप में सामने आते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है, इसके सेवन से हमारा शरीर भी खोखला हो जाता है और मानसिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, साथ में आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, साथ में अपनी जो प्रतिष्ठा होती है समाज में वो भी हम गिरा देते हैं। किन कारणों से, इन नशीले पदार्थों से। तो आप भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं इन नशीले पदार्थों से। ठीक है, फिर दवाओं का दुरुपयोग, जो दवाएं होती हैं ड्रग्स, उनका दुरुपयोग कैसे होता है, जैसे कि दक्षिणी एशिया में मादक पदार्थों की मांग, दक्षिणी एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वालों में 42% श्राप है, यानी कि जो हम टोटल नशा करते हैं, जो जिसमें गुटखा बीड़ी ये आपकी हीरोइन चरस गांजा भांग हीरोइन सब कुछ आ गया, फिल्म के पदार्थ सारे आ गए, उनमें 42% शराब का कारण बनती है और 20% में अफीम बनती है, तो अफीम भी कम नहीं है परसेंटेज, और 30% हीरोइन जो अफीम का ही प्रोडक्ट माना जाता है, 6% लोग गांजा का इस्तेमाल करते हैं और 18% से अधिक लोग अन्य प्रकार के नशों से, जैसे कि कोई सिगरेट का नशा करता है, कोई गुटखे पानी का नशा करता है, कोई किसका नशा कर लेता है। ठीक है, तो ये एक मतलब कि एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है कि किस किस पदार्थों का नशा, कित कितने प्रकार के लोग, या क्या परसेंटेज रेशियो रहता है जो इन प्रकार के नशा करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन में कोई परसेंटेज वर्सेंटेज आपसे नहीं पूछेगा, ये आपके लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आप मतलब कि जो नशा कर रहे हैं वो एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किस प्रकार का नशा सर्वाधिक रूप से प्रयोग में हो रहा है या ज़्यादातर डिमांड जिसकी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों के पर्चे पर मिलने वाली दवाएं जैसे कि मॉर्फिन, पेथिडिन, बुरबिनोफ्रिन या फ्रॉक्सिफिन या नाइट्रोपिजोम या डाइपिजोम का दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग जैसे कैसे सुना है, जैसे डॉक्टर मतलब इनका उपयोग लेते हैं दर्द निवारक के लिए, खांसी के लिए, और लोग बाग इनका उपयोग किस कर रहे हैं, नशे के लिए, जैसे कोरेक्स आती है लोग बाग उसका उपयोग अल्कोहल की जगह कर रहे हैं, तो उसको खांसी की दवाई होती थी उसने गवर्नमेंट को बैन कर दी, गवर्नमेंट को पता चला कि इसका प्रयोग तो लोग मतलब नशे के रूप में कर रहे हैं, तो उसको बंद कर दी, उसके रूप में कोई दूसरी प्रोडक्ट निकाल दिया फिर गवर्नमेंट ने अलग ही ब्रांड में। ठीक है, तो ये जो कुछ मेडिकल पे मिलने वाली दवाएं भी कुछ ऐसी होती हैं जो काम आती है बीमारी में, लेकिन कुछ लोगों को इनकी नशे करने की आदत लग जाती है, तो फिर लोग मेडिकल पर से भी इनका, ताकि उसमें क्या दिक्कत हो गई, लोगों को मतलब दूसरों को शक नहीं होता है, आराम से इजीली इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नंबर से मिल रही है, कहीं पर भी मिल जाती है, कहीं पर भी नशा कर लेते हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं है कि हमारी तो दवाई चल रही है, जबकि वो भी बहुत सारे नशीले पदार्थों का प्रयोग कर लेते हैं और डेली रूटीन में काम ले रहे हैं, क्योंकि घर में भी उपयोग कर रहे हैं तो कोई कहने वाला नहीं है, पी के सो रहे हैं बस मजे से। तो ये भी कई प्रकार की जो मैंने आपको बताई है, इनमें से कई प्रकार की बॉटल्स या इनमें से जो आप शीशियाँ लेते हो दवाई की, वो हम तो लेते हैं अपनी मजबूरी में बीमारी में, और लोग नशा करने वाले इनको रेगुलरली प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो जाने इनका क्या सिस्टम है। इसमें का प्रयोग भी बड़ा है, जैसे कि पंजाब, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी अफीम का पारंपरिक सेवन जारी है, वहीं पूर्वोत्तर भी राज्यों में भी हीरोइन का इंजेक्शन लेने के चलन अधिक है, कि लोगों में हीरोइन का उपयोग अच्छी तरह बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, खासकर पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनका नाम लिया गया है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे नशे के लिए थिनर, एसीटोन, थिनर आप जानते हो एसीटोन होता है, केमिकल फॉर्मूला इसका मैं बता देता हूँ, बाकी थिनर का उपयोग लेडीज अच्छे से जानती है, थिनर क्या होता है, एसीटोन है, अभी जयपुर में हाल ही में वीकेआई में एक एसीटोन की कंपनी में, यानी कि थिनर बनाने वाली कंपनी में आग लग गई थी, ये एसीटोन इसका फॉर्मूला होता है। वैसे थिनर जो आप नैन पॉलिश रिमूवर होता है, जिसको नैन पॉलिश को हटाने के लिए काम में लेते हो, थिनर वो वाला थिनर ही है, एसीटोन जिसका एक कॉमन नेम होता है साइंस की दृष्टि से। उसके अलावा पेट्रोल है, सॉल्वेंट ऑयल है, आदि गैर पारंपरिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, ये नशे के लिए करते हैं लोग बाग इनका प्रयोग। सड़कों पर पतले बच्चे नशीली दुआओं का और एवं शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं, वे
जूता चिपकाने का गोंद, करेक्शन फ्लूड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश या रबर सीमेंट, सूखे इंजर, मार्कर्स और गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये जो चीज़ें बताई है, जूता चिपकाने वाला गोंद होता है जिसमें एक बहुत ही तरह की स्मेल आती है, करेक्शन फ्लूड होता है, या स्प्रे पेंट जो आप पेंट करने के लिए स्प्रे करते हैं वो वाला पेंट होता है, या नेल पॉलिश होती है, इसमें भी बहुत ही हानिकारक प्रकार के केमिकल आते हैं। लोग इनकी भी स्मेल को सूंघने की आदत हो जाती है, कई बच्चों में या कई कई लोगों में इनकी सूंघने की आदत होती है। ये इनमें भी एक बहुत खतरनाक, जो अपने श्वसन तंत्र में जाके इसको अपने को बॉडी पर स्लो पॉइजन की तरह नुकसान पहुंचाता है, और ये बहुत ही हानिकारक चीज़ें होती हैं। ठीक है, गैसोलीन है, मार्कर में भी अच्छी ये केमिकल खुशबू आती है, तो ये अपने पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में ले लेते हैं और फिर श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करते हैं, स्लो पॉइजन है, बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नशे में जिंदगी की सच्चाई तथा भूख से बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की खराबी और कभी ठीक नहीं होने वाली मानसिक क्षति जैसी शारीरिक और मानसिक समस्याएं मोल ले लेते हैं। जैसे कि ऐसे बच्चे नशे में फिर कुछ अलग ही सपने सोचने लगते हैं, अपने आप को कुछ या तो कुछ बहुत बड़ा समझ लेते हैं या कुछ बहुत छोटा समझ लेते हैं, या डरावने सपने देख लेते हैं, साथ में उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, गुर्दों की खराबी हो जाती है, कई प्रकार की ऐसी बीमारियां उत्पन्न कर लेते हैं जो कभी ठीक ही नहीं होने वाली हैं, और साथ में मानसिक और शारीरिक क्षति तो होती ही होती है, और लास्ट में एक बात है कि हम समाज में अलग ही नजरिए से फिर देखने को मिलती है उनकी स्थिति। तो ये जो अपने नशा चार प्रकार का यहाँ पर डिस्कस किया है, नशीले पदार्थों में कौन कौन से टॉपिक देखे अपने अपने देखा है, गुटखा देखा है, तंबाकू देखा है, शराब मदिरा देखा है, एंड आपके अफीम देखी है। तो ये चारों प्रकार के जो नशे हैं इस समाज में बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित हैं, और आप भी देखते हो आसपास या घर में भी मिल जाते हैं, तो कृपया आप इनसे बचें और अपने परिवार को भी बचाएं, यही मेरी एक उम्मीद है आपसे, आप ऐसा ही करोगे। ठीक है, अभी आपकी टाइम है कि आप इन चीज़ों से दूर हो, लेकिन अब आने वाले समय में, आने वाले सोसाइटी में आपकी जो उम्र है वो आपको कुछ ना कुछ और सिखाएगी, तो कृपया इन लतों को अपनी फैशन या कुछ आनंद के भ्रम में ऐसी हरकतें ना करें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। ठीक है, अब बातें कर लेते हैं अपन खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थ यानी कि जहां तक मेरा मानना होता है, पैकिंग सामग्री को खाना या कोई भी पैकिंग सामग्री, लिक्विड हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक को तो मैं स्लो पॉइजन समझता हूँ, यहाँ तक कि मैं तो टॉयलेट क्लीनर ही समझता हूँ। जैसे कि आप हार्पिक का जो काम करती है वही काम आपकी कोल्ड ड्रिंक करती है। अब आपको पता चलेगा कि कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन से केमिकल पदार्थ होते हैं और वो हमारी बॉडी में किस प्रकार से स्लो पॉइजन, धीमा जहर, जिसको अपन मीठा जहर भी कह सकते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए कैसे मीठा जहर होता है। तो कोल्ड ड्रिंक अपने को पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, ये बात तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद डिसाइड खुद कर ही लोगे। बाकी अगर आपको पता होने के बाद भी आप पीते हो तो वो आप वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, वो वाली बात यहाँ पे हो जाएगी, है ना। अब बात अपन कर लेते हैं इनके खाद्य पदार्थों के मिलावटी के दुष्प्रभाव पे। देखो इसकी सामान्य चर्चा ही कर पाएंगे आज, इसको ऐसे कल ही करेंगे टॉपिक को खत्म। तब तक के लिए एक लास्ट टॉपिक बचेगा, कोशिश करेंगे लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में ही अपना चैप्टर ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए चारों हानियाँ और चार पार्ट साथ में, ये शायद इसका पांच पार्ट हो जाएंगे इस समेत, और एक पार्ट और होगा उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब तक आप पांच पार्टों का वर्क भी करें, इंपॉर्टेंट लाइन भी करें, मैंने बता रखा आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, और बुक है तो आप पूरी बुक को पढ़ते रहें साथ में। ठीक है, और वीडियो को आराम से गौर से सुने देखें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। थैंक यू सो मच।